الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں دنیا اور اس کی فانی ہونے والی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں ایک دوسرے سے مسارعت یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ریس لگانا، حرص کرنا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں. جیسا کہ عام طور پر ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک مکان ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں دو مکان ہو جاوے. کسی کے پاس ایک فیکٹری ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دو فیکٹریاں ہو جائے. کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دو چار گاڑیاں ہو جائے. اور اس کے لیے ہم بڑی تگ و دو اور کوششیں اور تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دنیا کی ان چیزوں اور نعمتوں میں یہ مسابقت، مسارعت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں یہیں ختم ہو جانے والی ہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جنت جو ہمیشہ والی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اور اس کی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے،
जन्नत के सिलसिले में और उसकी नेमतों के सिलसिले में एक दूसरे से आगे बढ़ने को पसंद ही नहीं फरमाया बल्कि उसका हुक्म दिया है। चुनांचे कुरान पाक में जन्नत और उसके नेमतों का तذکرہ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून। ये है जन्नत की नेमतें जिसके बारे में आगे बढ़ने वालों को एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए। ये नेमतें हैं जन्नत की जिसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने में मुकाबला होना चाहिए। और ये आयत जो मैंने तिलावत की इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला का यही इरशाद है, अम्र है, हुक्म है, सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द, कि तुम आगे बढ़ो, एक दूसरे से रेस लगाओ, तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हें जो मग़फ़िरत मिलने वाली है और जन्नत मिलने वाली है उसके सिलसिले में तुम्हारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का और जन्नत का और उसके नेमतों का मुस्तहिक बन जाऊं। और जाहिर बात है अल्लाह की मग़फ़िरत, उसकी रहमत और उसकी जन्नत के मुस्तहिक होने के लिए इंसान को ईमान और ईमान वाले आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ना होगा, गुनाहों से बचना होगा। इसलिए जब हम देखें कि भी हमारा फुला साथी पंज वक्त का नमाज का एहतमाम कर रहा है तो हमें उससे आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए कि मैं उससे ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम करूं, इशराक पढ़ूं, चाश पढ़ूं, अवाबीन पढ़ूं, तहज्जुद पढ़ूं। हमारा फुला साथी अगर रोज़ाना एक पारा पढ़ता है तो हमें उससे आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए कि मैं दो तीन पारे पढ़ूं। हमारा कोई साथी अगर महीने में 1,000 रुपये सदका और खैरात करता है तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं उससे ज़्यादा खर्च करूं। हमारा कोई साथी अगर इंसानों की खिदमत में, गरीबों की मदद में, परेशान हालों की नुसरत में कुछ वक्त देता है तो हमारी ये सही और ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके मुकाबले में अल्लाह के बंदों की नुसरत, मदद और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने में गुजरे। ये वो सारे आमाल है ईमान के और उसके तकाजे हैं जिसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की वजह से इंसान मग़फ़िरत की तरफ भी आगे बढ़ेगा और जन्नत की तरफ भी आगे बढ़ेगा। सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। फिर इस आयत में दो चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया, मग़फ़िरत और जन्नत। उसमें मग़फ़िरत का जिक्र पहले है और जन्नत का जिक्र बाद में है। इससे मालूम हुआ कि जन्नत में वही लोग जा सकेंगे जिनके गुनाहों पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत और बख्शिश का कलम फेर देगा। मग़फ़िरत मुकद्दम है, अल्लाह की रहमत मुकद्दम है। जिस इंसान पर अल्लाह की मग़फ़िरत छा जाएगी, ऐलान हो जाएगा कि इसके सारे गुनाह माफ, अल्लाह की रहमत उस पर छा जाएगी, फिर उसके बाद जन्नत में दाखिला होगा। इसलिए जन्नत में, जन्नत के जिक्र से पहले मग़फ़िरत का जिक्र इस आयत में किया गया। एक हदीस पाक में इसी मजमून को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कोई भी बंदा अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज किया कि आप भी या रसूल अल्लाह? फरमाया ला इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिन, हाँ भाई मैं भी उसी वक्त जन्नत में जाऊंगा जब अल्लाह अपनी रहमत से मुझको ढांप ले। अब ये जन्नत जिसकी तरफ हमने हमें मुसाबकत, मुसारहत, रेस लगाने का हुक्म दिया गया, उसकी सिफत आगे बतलाई गई कितनी बड़ी है वो, अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, कि उसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। अर्ज कहते हैं चौड़ाई को, बाद मुफस्सिरीन ने उसका यही तर्जमा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि
जन्नत की जो चौड़ाई है, लंबाई है, उसकी जो वसअत है, या आसमान और ज़मीन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। एक एक जन्नती को इस दुनिया के मुकाबले में 10-10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। तो सवाल होता है कि फिर इस आयत में ऐसा क्यों कहा गया कि उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वसअत और जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। तो उसका जवाब यह है कि असल इंसान के जहन में सबसे ज़्यादा चौड़ी और सबसे ज़्यादा वसअत वाली कोई जगह जहन में आ सकती थी इस दुनिया में तो आसमान और ज़मीन का अर्ज और उसकी वसअत, इससे ज़्यादा का इंसान इस दुनिया में रहते हुए तसव्वुर नहीं कर सकता है। इसलिए कुरान पाक में इंसानी जहन का ख्याल रखते हुए ये कहा गया कि उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों ज़मीन के बराबर है। जिस बात को इंसान समझ सकता है उस बात की तरफ कुरान ने इशारा किया है। और अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, उन्होंने अपनी तफसीर रूहुल मानी के अंदर बाज़ उलमा से नकल किया कि अर्ज का माना आते हैं कीमत के, तो मतलब ये हुआ कि उस मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी कीमत आसमान और ज़मीन भर के दौलत हो तो भी अदा नहीं हो सकती। हाँ, जन्नत की कीमत क्या है? ईमान। जन्नत की कीमत वो ईमान वाले आमाल। बाकी दुनिया की नेमतें आसमान और ज़मीन भर कर के भी अगर कोई अल्लाह के दरबार में पेश कर दे तो जन्नत उससे हासिल नहीं हो सकती। फिर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है आगे कि ये मग़फ़िरत और जन्नत जिसकी तरफ तुम्हें दौड़ने का मुसारअत का हुक्म दिया जा रहा है किसके लिए बनाई गई? उइद्दत लिलमुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई, तैयार की गई। अरबी ग्रामर के एतबार से ये उइद्दत माजी का लफ्ज़ है, माजी का सीगा, यानी बनाई जा चुकी है। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अल जन्नत वन नारो मखलूकतान, जन्नत और जहन्नम दोनों पैदा की जा चुकी है। अब कहाँ है वो अल्लाह को मालूम है। आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, उसके ऊपर जन्नत है, हम यहाँ समझ नहीं सकते हैं। लेकिन जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है। चनानचे अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और उसकी नेमतों को पैदा फरमा दिया। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ जन्नत का नज़ारा करके आओ। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और देखा कि जन्नत की का तूल और उसका अर्ज और उसकी वसअत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, और उसकी नेमतें ऐसी हैं कि आज तक किसी आँख ने उसको देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, दिल में ख्वाबो ख्याल भी उसका नहीं गुजरा है। आकर के अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अल्लाह, तूने जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें तैयार फरमाई है कि तेरे बंदे जब इस जन्नत और उसकी नेमतों का तस्करा सुनेंगे तो कोई भी जन्नत में दाखिल हुए बगैर नहीं रहेगा, हर शख्स चला जाएगा जन्नत में। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अब जा कर के देखो। दोबारा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए तो देखा कि जन्नत अपनी नेमतों के साथ मौजूद है, लेकिन उसके चारों तरफ हुफ्फतिल जन्नत बिल मकारह, जन्नत को घेर दिया गया है मशक्क़तों से, तकलीफ़ों से, मुजाहदों से, रियाजतों से। अब आकर के कहने लगे जिब्रील अलैहिस्सलाम, या अल्लाह, जन्नत तो मौजूद है, जाना भी उसमें तय है इंसानों का, लेकिन ये इतनी सारी मशक्क़तें उठाएगा कौन? ऐसा मालूम होता है कि इन मशक्क़तों के उठाने से तेरे बंदे आजिज़ हो जाएंगे और कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मकारे यानी मशक्क़तें, तकलीफ़ों से जन्नत को ढाँप देने का मतलब ये है कि जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुछ इबादात, कुछ फ़राइज़, कुछ वाजिबात
हमारे ऊपर आयत फरमाएं, नमाज पढ़ने की मशक्क़त, गर्मी के मौसम में रोजे की मशक्क़त, साल भर कमाए आदमी, ना नफ्स चाहता नहीं है कि भाई इतना सारा रुपया कैसे ज़कात में दे दूँ, नफ्स को मारकर मशक्क़त में डालना और ज़कात देना। लाखों रुपया इंसान ने कमाया और हज के लिए जाता है तो 5-7 लाख रुपये हज में खर्च करना, फिर गुनाहों में लज्जत आती है, उन गुनाहों को छोड़कर तकलीफ उठाना, ये सब मशक्क़तें उठाएगा आदमी तो जन्नत में जाएगा। फरमाया अल्लाह तूने ऐसी मशक्क़तें रख दी है कि बहुत कम बंदे तेरी उन मशक्क़तों को उठाकर जन्नत में जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा जाओ जहन्नम को भी देख करके आओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और जहन्नम के अंदर ऐसे खौफनाक मंजर देखे, ऐसे हौलनाक मनाजिर देखे, आकर के कहने लगे कि अल्लाह इतने बड़े बड़े अजाब और खौफनाक और हौलनाक मंजर जिसका तस्करा तेरे बंदे अगर सुनेंगे, कोई भी शख्स जहन्नम में जाने वाला नहीं, हर शख्स इस जहन्नम से अपने आप को बचा लेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया दोबारा जाओ। अब जब दोबारा गए तो देखा जहन्नम तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुफ्फतिन नार बिश्शहवात, जहन्नम के सारे इर्द गिर्द लज्जतें, इशरतें, ऐश, अय्याशियां, मज़े, लुत्फ, सब उसकी बाग, उसकी उसकी जो है बाग लगा दी गई। यानी इस दुनिया में ऐसा माहौल भी है कि इंसान अल्लाह को भूल जाए, उसके रसूल को भूल जाए, खूब मज़े करे, गुनाहों में मुब्तला रहे, हद से ज़्यादा खाए पिए, हद से ज़्यादा फजूल खर्ची करे, अय्याशिया करे, बदकारियाँ करे, सब मज़े लूटे, नतीजा यह होगा कि उसके बाद जहन्नम ही है। आकर के कहने लगे या अल्लाह तूने जहन्नम तो रखी है, अगर ये अय्याशिया, ये लुत्फ और ये मज़े ना होते तो कोई ना जाता, लेकिन इसके इर्द गिर्द ऐसे लुत्फ और ऐसे मज़े और ऐसे अय्याशिया है कि लोग उसमें धोखा खा करके उसमें पड़ेंगे और सब जहन्नम में चले जाएंगे। बहरहाल इस हदीस का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाना चाहते हैं कि जन्नत भी तैयार की जा चुकी है और जहन्नम भी, लेकिन जन्नत के हुसूल के लिए मशक्क़तें उठानी है दुनिया में, और जहन्नम से बचने के लिए दुनिया की ये नाजायज़ लज्जतों से अपने आप को बचाना है, तब इंसान जहन्नम से अपने आप को बचा सकेगा। बहरहाल अल्लाह ताला का इरशाद है कि सारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि दौड़ो एक दूसरे से आगे बढ़ो अल्लाह की मग़फिरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई या जिसकी कीमत आसमानों और ज़मीन की वसअत के बराबर है, जो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए, तक्वा वालों के लिए, परहेजगारों के लिए। तक्वा के 5 दर्जात उलमा ने बतलाए हैं। तक्वा कहते हैं अल्लाह से डरने को, बचने को। तक्वा का सबसे पहला दर्जा जिसके बगैर कोई भी इंसान जन्नत में जा नहीं सकता है, वह है अपने आप को शिर्क और कुफ्र से बचाना, तौहीद का कायल हो जाना, अल्लाह की ज़ात और सिफात और उसकी इबादत और सिफात के एतबार से उसको तन्हा मानना। तो जो आदमी अपने आप को कुफ्र और शिर्क से बचा ले, वो गया तकवा का पहला दर्जा हासिल कर चुका, और कभी न कभी उसकी बरकत से, ईमान की बरकत से जन्नत में चला जाएगा। दूसरे नंबर पर है जब ईमान हासिल हो गया, तौहीद हासिल हो गई, तो बड़े बड़े गुनाह, कबाइर जिनको कहते हैं, उनसे अपने आप को बचाना। अकबरुल कबाइर, सबसे बड़ा कबीरा, वो तो शिर्क है। फिर अहादीस में मुख्तलिफ कबीरा गुनाहों को शुमार किया गया है, जिना करना, सूद खाना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी पर जादू करना, गीबत करना, नाहक मुसलमान को मारना, किसी नाहक मुसलमान की आबरू रेजी करना, किसी पर जुल्म करना, ये सब कबीरा गुनाहों की बड़ी फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर तकवा ये है कि इंसान अपने आप को बड़े बड़े गुनाहों से बचा ले। तीसरा दर्जा तकवा का ये है कि इंसान सगाइर से भी अपने आप को बचा ले। छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं, वैसे वो नमाज से, जिक्र से, तिलावत से, रोज़ों से माफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को उससे बचा ले। चौथा दर्जा
यह है कि बहुत सारी चीज़ें मकरूह होती है जिनका करना हराम तो नहीं लेकिन मकरूह समझा जाता है, जिसको हम कहेंगे खिलाफ अदब, शरीयत ने उनको पसंद नहीं किया है। सुन्नत तरीका यह है कि भी मस्जिद से आप बाहर निकले तो बायां पैर निकाल करके बाहर निकले, मस्जिद में दाखिल हो तो दायां पैर दाखिल करे। अब अगर कोई आदमी मस्जिद में आता है बायां पैर दाखिल करता है तो यह अदब और सुन्नत के खिलाफ है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा गुनाह किया उसने, या मस्जिद से निकल रहा है तो सीधा पैर दाखिल कर निकाल रहा है बाहर, तो ये तो नहीं कहेंगे कि बड़ा गुनाहगार हो गया, लेकिन खिलाफ अदब खिलाफ सुन्नत है। तो इन आदाब का भी रियायत करना ये भी तकवा का चौथा दर्जा है। हमारे अकाबरीन इन चीज़ों का भी बड़ा अहतमाम करते थे। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में ज़ौफ और कमज़ोरी ज़्यादा हो गई तो एक खादिम आपको मोज़ा पहना रहा था, तो वो बाएं पैर के अंदर मोज़ा दाखिल करने लगा, तो आप बार बार अपने पैर को खींच लेते और मोज़ा पहनते नहीं। तो हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह उतने में आ गए, फरमाया कि भाई वो दाएं पैर में पहले जूता और मोज़ा पहनना चाहिए, ये सुन्नत तरीक़ा है, आप जो है सुन्नत के खिलाफ पहना रहे हैं, इसलिए हज़रत अपने पैर को बार बार हटा देते हैं। यानी उस हालत में भी जबकि ज़ौफ़ है, कमज़ोरी है, बोलने की भी ताकत कम है, ऐसी हालत में भी इन छोटी छोटी सुन्नतों का इतना अहतमाम, तो ये दर्जा है चौथा। और पांचवा दर्जा तकवा का ये है कि बहुत सारे उमूर जायज़ है इंसान के लिए, लेकिन उन जायज़ चीज़ों को इंसान इसलिए छोड़ देता है कि जायज़ को छोड़ूंगा तो मेरा नफ्स काबू में रहेगा और फिर गुनाह की तरफ वो माइल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को माली वसअत दी है तो लजीज से लजीज खाना जायज़ है, लेकिन बहुत लजीज खानों को इंसान इसलिए छोड़ देता है कि बहुत लजीज खाने खाऊंगा तो नफ्स मेरा सरकश हो जाएगा। बड़ी बड़ी इमारतें बनाना ऐसे तो बिला ज़रूरत के नाजायज़ है, लेकिन ज़रूरत के हद में रहते हुए भी आराम और राहत के लिए ज़्यादा खर्च करने की गुंजाइश है, फिर भी इंसान कम से कम खर्च पर इक्तफा करे और अपने आप को बचाए ज़्यादा खर्च करने से, ये भी तकवा का पांचवा दर्जा है। उम्दा लिबास आदमी पहन सकता है लेकिन फिर भी दरमियानी किस्म का लिबास पहने, ये भी एक किस्म का तकवा है। तो ये पांच किस्म के तकवे हैं, कुफ्र और शिर्क से अपने आप को बचाना, हराम कामों से बचाना, कबीरा गुनाहों से, सगीरा गुनाहों से बचाना, मकरूह और खिलाफ अदब चीज़ों से बचाना, और जायज़ चीज़ों से भी अपने आप को बचाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जन्नत इन ऐसे ही लोगों के लिए जो इन चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं। और फिर जाहिर बात है कि जो तकवा के जितना आला मर्तबे पर होगा कि भाई जायज़ चीज़ों को भी उसने छोड़ दिया था अल्लाह की रजा के लिए, खिलाफ अदब चीज़ों को भी छोड़ दिया था, सगीरा भी नहीं करता था, तो जाहिर है ऐसे लोगों को जन्नत के आला से आला मरातिब मिलेंगे। एक शख्स महज ईमान की वजह से, चाहे बड़े बड़े गुनाह भी उसने किए दुनिया में और सगाइर भी किए, लेकिन कभी ना कभी उसको नजात मिलेगी, जन्नत में जाएगा, उसको जो जन्नत का दर्जा मिलेगा और एक तकवा के आला दर्जे पर जो फाइज होगा उसको जो मिलेगा, दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होगा। उइद्दत लिलमुत्तकीन, तो अल्लाह ताला ने ये जन्नत तैयार की है किसके लिए, जो अल्लाह से डरते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं। फिर इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने तकवा की तीन निशानियां और तीन अलामतें बतलाई खास इस आयत में। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि मैंने अभी बतलाया, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس। तकवा की पहली अलामत मुत्तकी कौन है का, मुत्तकी लोग वह हैं कि जो खर्च करते हैं खुशहाली में भी और तंग दस्ती में भी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें माल दिया है तो अगर किसी के पास माली वसअत है, बहुत ज़्यादा मालदार है, तो भी वो खर्च करे, माल नहीं है, तंगी है, तुरशी है, तो भी खर्च करे, ये मुत्तकियों की सिफात बतलाई गई। गोया हमें ये हिदायत दी जा रही है कि भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के सिलसिले में बहुत ज़्यादा माली वसअत का इंतज़ार मत करो,
जो कुछ दिया गया उसमें से खर्च करते रहो, ये अल्लाह से डरने वालों की अलामत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल की है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ एक मरतबा एक साइल आया, अपने खादमा से कहा भी देखो घर में कुछ है। कुछ भी नहीं था घर में, अंगूर था फकत, एक अंगूर का, वो भी एक ही दाना। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया दे दो, यही दे दो, जो है वो दे दो, ये तंग दस्त, एक अंगूर का दाना घर में कुछ नहीं, रोटी का टुकड़ा भी नहीं, वो भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया। एक मरतबा बैतुल माल से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ 80,000 दिरहम आए। पहले जमाने में दिरहम चलते थे जो चांदी के होते थे, और दीनार सोने के होते थे। अभी 80,000 दिरहम इस जमाने के कितने होंगे उसका अंदाज़ा मैं आपको बतलाता हूँ। ये मेहरे फातमी जो निकाह में हम रखते हैं, 1531 ग्राम चांदी यानी 1.5 किलो और ऊपर जो 31 ग्राम चांदी होती है, ये जो है 500 दिरहम की होती है फ़कत। उस ज़माने के 500 दिरहम मेहरे फातमी समझा जाता था। 500 दिरहम की चांदी हमारे यहाँ के एतबार से 1.5 किलो 131 ग्राम होती है, जो 1 लाख से कुछ ऊपर 1,10,000-20,000 के करीब होती है फ़कत 500 दिरहम की। तो 80,000 दिरहम की कितने कीमत हो गई आप अंदाज़ा लगा ले, हिसाब लगा ले आप लोग। 80,000 दिरहम आए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी खादिमाओं से कहा मदीना की घर घर में जाकर के तकसीम करना शुरू करो। तकसीम करना शुरू किया, शाम का वक्त हो गया तो सारे दराहिम ख़त्म हो गए। उस दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़े से थी, तो खादिमा से पूछा इफ्तार के लिए कुछ है? कहा नहीं, हमने तो सब तकसीम कर दिया, आपने कहा क्यों नहीं कि मेरा रोज़ा है? पहले से कहती तो 2-4 दिरहम इफ्तार के लिए रख लेती। चलो कहा ठीक है, पानी से इफ्तार कर लिया। कहाँ एक अंगूर का दाना, वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, और कहाँ 80,000 दिरहम आए करोड़ों की मालियत, उसको भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। फरमाया ये है मुत्तकी, और ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार की गई है। तो अल्लाह ताला गोया इस आयत में हमें ये हिदायत देना चाहता है कि भी अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो सदक़े का अहतमाम करो। ज़्यादा माल हो तो भी, कम माल हो तो भी, जितना हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए एक रुपया अगर दिया जाए तो भी अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह की मग़फ़िरत का ज़रिया वो हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इत्तकुन नार वलो बिशक्क़ तमरतिन, अपने आप को आग से बचाओ चाहे खजूर के टुकड़े के ज़रिए क्यों ना हो। यानी देते वक्त बस ये नीयत हो कि अल्लाह इतना ही है मेरे पास, मैं तो इसलिए दे रहा हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत कर दे, जहन्नम से मुझे बचा ले। तो ये मिजाज था हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का कि अल्लाह ने दिया है तो भी खर्च करते हैं, कम है तो भी खर्च करते हैं। और दूसरी अलामत इसमें मुत्तकियों की बतलाई गई अल्लज़ीना युन्फ़िकून फ़िस सर्राय वज़्ज़र्रा वल्काज़िमीन अल्ग़ैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। हमारे घरों में, हमारे माशरे में बहुत सारी खराबियाँ, फसाद, झगड़े, लड़ाइयाँ, तलाक की नौबतें ये गुस्से की वजह से ही पैदा होती है। मामूली मामूली बात पर शोहर गुस्से होता है, तलाक दे देता है। गुस्से में बाप ने कोई बात कह दी, बेटा भी गुस्से हो गया, दोनों में ना इत्तेफाकी हो गई, पड़ोसी पड़ोसी में गुस्से की वजह से लड़ाइयाँ हो गई। पर मैं तकवा वाले लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग गुस्सा नहीं किया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात अहादीस में बतलाई गई उसमें से एक सिफत ये बतलाई गई कि आपने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी पर गुस्सा नहीं किया। हाँ, आपको गुस्सा आया तो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने पर, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी वाले काम पर आपने गुस्सा किया है कभी? अपने ज़ात पर, अपने ज़ात की किसी तकलीफ़ पर कभी गुस्सा नहीं किया है? अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में है कि आपने सहाबा से पूछा तुम पहलवान किसको समझते हो? साहबा ने अर्ज किया कि पहलवान तो वो कहलाता है जिसको कोई पछाड़ न सके, हर एक पर वो गालिब आ जाए। पर मैं नहीं, पहलवान वो नहीं है, पहलवान तो वो है कि जब उसको गुस्सा आ जाए तो उस गुस्से को पी जाए। पीने का मतलब ये है कि गुस्से का जो तकाजा होता है उस पर अमल न करे। गुस्सा आ रहा है दिल में
कि बोला शख्स को गाली दूं ना दे, उसको पी जावे आदमी, गुस्सा आ रहा है कि अपनी बीवी को मारना शुरू करूं लेकिन उसको पी जावे ना मारे, सब्र कर ले। ये है गुस्से को पी जाना का, ये तकवा वालों की अलामत है। वल काज़िमीन अल-ग़ैज़। और तीसरी अलामत वल आफीन अन-नास। लोगों से अगर तुम्हें तकलीफ पहुंच रही है, रंजिश पहुंच रही है, माफ कर दो उसको, दरगुजर कर दो। हम लोग समझते हैं कि माफ करने से नाक कट जाती है हमारी, जब तक बदला ना ले और ईंट का जवाब पत्थर से ना दे वहां तक समझते नहीं कि हमारी इज्जत बढ़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माफ करने से इंसान की इज्जत बढ़ती है, बदला लेने से इज्जत नहीं बढ़ती। इसलिए माफ करने का मिजाज, घर में बीवी से कोई लग्जिश हो गई उसको माफ कर दो, साथी से कोई लग्जिश हो गई उसको माफ कर दो, कोई तकलीफ पहुंचा रहा है जवाब मत दो, अल्लाह ताला उसका तुम्हें अच्छा बदला देगा। अगर ये अखलाक हम अपनाएंगे, हमारे घरों का माहौल, हमारे मोहल्लों का माहौल, माशरे का माहौल बड़ा खुशगवार हो जाएगा। कोई आदमी कब तक सताएगा, देखा कि ये तो माफ करता ही रहता है, कुछ बोलता ही नहीं, तो खुद ब खुद थक जाएगा। इसलिए ये चीजें अपनाने की जरूरत है। अल्लाह ने जो दिया है खर्च करने का निजाम बनाए, रोजाना नहीं हफ्ते में कम अज कम कुछ ना कुछ सदके का माहौल हम बनाए, तय कर ले कि भाई रोजाना हमें 10 रुपया ही सदका करना है, 100 रुपया ही सदका करना है, और पाबंदी से करें। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में से गुजरे हैं, उनका एक छोटा सा कुतुब खाना भी था, तो उन्होंने ये अपने नफ्स पर तय कर रखा था कि कभी किसी के यहाँ से कोई हदिया आ गया, बगैर मशक्कत के कोई चीज आ गई, माल आ गया, तो उसमें से वो 10वां हिस्सा फौरन सदका कर देते थे। 100 रुपये आए, 10 रुपये फौरन सदका कर दिया, और खुद की जो कमाई कुतुब खाने की आमदनी होती थी तो 20वां हिस्सा यानी 1 रुपये में से 100 रुपये में से 5 रुपये सदका करते थे। और उसका इतना एहतमाम करते थे कि जहाँ शाम हो गई मुझे निकालना है, अगर कभी छूटे पैसे नहीं होते तो उसी वक्त करवा लेते थे। कहते थे कि भाई इस नफ्स का कोई भरोसा नहीं, सोचूंगा कि कल दे दूंगा, आज के हो सकता नफ्स तैयार ना हो कि कल तो 10 देने थे, आज 20 देने पड़ रहे हैं, चलो कौन देगा, इसलिए उसी दिन नकद दे देते थे। नेकी के मामले में देर और ताखिर नहीं करते थे। तो ये एक चीज तो ये है। दूसरी चीज अपने आप को गुस्से, अपने गुस्से पर काबू रखना और लोगों को दरगुजर करना और माफ करने का मिजाज। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला नेकी के काम करने वाले, एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो ये जो तकवा की अलामतें इस आयत में बतलाई गई, मंशा और मकसद उसका ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन खूबियों को, इन सिफात को, इन खसलतों को अपनाएंगे तो अल्लाह की तरफ से मगफरत और जन्नत का ऐलान अल्लाह ने हमारे लिए कर दिया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर